Zayman, कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी व्याकरण में अभिव्यक्ति और माध्यम विषय पढ़ा रही हूँ। इसके तीन वीडियो मैंने पहले भेज दिए हैं इसी क्वेश्चन के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विशेष रिपोर्ट क्या होती है। मान लो जो भी पत्रकार कोई लिखता है वो किसी भी घटना से संबंधित पहले कोई छानबीन करता है, फिर उसके बारे में जो खास बात लिखता है उसे विशेष रिपोर्ट कहेंगे। किसी घटना समस्या की गहन छानबीन करके उसके बारे में जब लिखा जाता है तो उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद है संपादकीय। हर समाचार पत्र का अपना संपादकीय होता है। वो कोई संपादकीय क्यों लिखा गया, क्यों लिखा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। जिस लेख में किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, कोई ज्वलंत मुद्दा है, कोई समसामयिक मुद्दा है, कोई करंट न्यूज है, उस करंट न्यूज के बारे में समाचार पत्र की अपनी राय जब प्रकट की जाती है तो उसे संपादकीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष लेखन क्या होता है। जैसे यहाँ पर विशेष रिपोर्ट है, किसी विषय विशेष से संबंधित कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। और विशेष लेखन, किसी विषय विशेष पर जो बात लिखी जाती है, किसी विषय विशेष पर लिखना उसे विशेष लेखन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फ्रंट में आता है सबसे पहले जो करंट न्यूज होती है वो आती है, फिर हम सेकंड पेज पलटते हैं उसके ऊपर कुछ न्यूज लिखी हुई होती है, कुछ ऐसी बातें आती हैं कि किसी ज्वलंत मुद्दे पर कोई जो कल घटना घटित हुई है उसके बारे में लिखा हुआ आता है, वहां पे फीचर आलेख लेख सब चीजें होती हैं। तो जो बीट रिपोर्टिंग होती है वो क्या होती है, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट। कोई क्षेत्र है किसी भी व्यक्ति का, कोई जो रिपोर्टर्स होते हैं संवाददाता होते हैं तो उनका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनका अपना अलग क्षेत्र क्या होता है, लेखन के क्षेत्र होते हैं। कोई कृषि से संबंधित बातें लिखता है, विज्ञान मनोरंजन इस प्रकार, फिल्म जगत, अलग अलग क्षेत्र होते हैं हर व्यक्ति के। कोई व्यापार जगत से संबंधित लिखता है तो जो उनका क्षेत्र होता है उस विशेष क्षेत्र से संबंधित जो भी कोई खबर छापी जाती है उसे बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। वो जो खबर छपी है उस खबर को बीट रिपोर्टिंग कहते हैं, और जो खबर को लिखने वाला है उसको कहेंगे बीट रिपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार कारोबार की रिपोर्टिंग की भाषा कैसी हो सकती है। जो व्यापार कारोबार से संबंधित है, जैसे तेजड़िया, नफा नुकसान, घाटा, आवक जावक, ये जो शब्द हैं वो व्यापार कारोबार से संबंधित होते हैं, और उसकी जो व्यापार कारोबार से संबंधित रिपोर्टिंग होती है उसमें उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से होते हैं। हमारे पास ऊपर क्वेश्चन आया है विशेष रिपोर्ट कौन सी होती है, विशेष लेखन क्या होता है। अब बात आती है कि विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कृषि, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, अपराध, कानून। किसी भी आप न्यूज़पेपर में देखते हो हर तरह की न्यूज मिलती है, तो हर आदमी एक आदमी जो है वो हर तरह की न्यूज के लिए शब्द नहीं जानता होता। अगर जानता होता है तो उसको उतना पूरा ज्ञान नहीं होता। तो क्या होता है कि हर आदमी अपने अलग अलग क्षेत्र ले लेते हैं, उनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उससे संबंधित वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सूचना प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत होते हैं। ये स्रोत में सा में र मिला हुआ है यहाँ पर। स्रोत मीन्स कौन कौन से माध्यम है, हमें कहाँ कहाँ से सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो कोई इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू में जो कुछ उसने कहा इंटरव्यू देने वाले ने, वो उससे समाचार इकट्ठा किया, वो समाचार बन गया। जांच एजेंसीज होती हैं, कोई व्यक्ति से पूछा, जैसे कोई मंत्रालय के व्यक्ति हैं उनसे पूछ लिया, मंत्रालय है, कॉन्फ्रेंस वगैरह है, सर्वे है, या फिर इंटरनेट से उस व्यक्ति के या उस खबर के बारे में, उस मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।